रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन बदमाशों ने जबलपुर के पनागर से एक व्यक्ति का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद उसको रीवा ले आए थे, घर वालों से 35 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। मनगवा पुलिस ने जबलपुर पुलिस और रीवा पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई, अपहरणकर्ताओं के घर में दबिश थी और अपहरणकर्ताओं को पकड़ डाला है। अपहरण किया गया व्यक्ति सकुशल है। रीवा के तीन बदमाशों ने जबलपुर में एक व्यक्ति का किया अपहरण, उसके बाद उसको लेकर आए रीवा, 35 लाख रुपए फिरौती की मांग की। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से एक बड़ी वारदात निकलकर सामने आई है, जहां जबलपुर के एक युवक का अपहरण करके रखा गया था, जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने निकला था। उसे रीवा ले आए थे। अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजनों को फ़ोन कर उनसे 35 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगी थी और कहा था पैसे का इंतज़ाम हो जाए, उसकी फ़ोटो डालो, फिर बताएंगे क्या करना है। इस बात की जानकारी जबलपुर के पनागर पुलिस को मिली। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की जानकारी जुटाई, उनके रीवा में होने की जानकारी मिली। तत्काल ही रीवा की पुलिस से संपर्क किया गया। रीवा जिले के मनगवा थाना पुलिस ने एक टीम का गठन किया, अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हम आपको बता दें, जबलपुर पनागर क्षेत्र के 31 साल के राहुल राज का रीवा के तीन बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया था। पीड़ित राहुल राज अपने पत्नी और बच्चों के साथ शाम 5 बजे घर घूमने के लिए निकले थे, तभी दो बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोका, मारपीट शुरू की। इस दौरान एक कार भी वहां पहुंच गई। बदमाशों ने राहुल राज के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की, पत्नी बच्चे के सामने उसे जबरन कार में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। घटना के दौरान पीड़ित की पत्नी ने जब शोर मचाया तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। पूरे मामले को लेकर हमने मनगवा थाना प्रभारी जेपी पटेल से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। थाना पनागर जबलपुर का मामला था, जिसमें जो है सुबह हमें जो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था, हाँ, कि एक व्यक्ति को अपहरण करके जो है मनगवा थाना क्षेत्र में कहीं पे रखे हुए हैं, जिस पर पे हमने जो है मनगवा थाना के स्टाफ और चौकी प्रभारी मणिकुमार और रघुनाथगंज चौकी का और जो पनागर थाने से जो स्टाफ आया हुआ था, संयुक्त रूप से हमने एक टीम बना करके और अपहर्ताओं को जो है हमने चिन्हित किया स्पॉट को, और संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए और जिसका अपहरण किया गया था राहुल राज चौहान, उनको सुरक्षित हमने बचाया और अपहरणकर्ताओं को हमने जो है उनको जो है अभिरक्षा में लेकर पकड़ लिया सभी को। जब आप वहाँ पहुँचे तो कैसे कार्रवाई हुई, आपको देख के बाद में जानकारी कैसे पकड़ने में सफलता? हाँ, जैसे हम लोगों ने जो है जैसे उनके पास पहुँचे तो उसमें अपहरणकर्ता जो है छोड़कर भागने की कोशिश की, जिस पर वो सफल नहीं हो पाए। हमने उनको लगभग 1.5 किलोमीटर दौड़ाया और उसके बाद जब वो काफ़ी थक गए उसके बाद हमने उनको जो है पकड़ लिया। तो फिरौती की मांग कैसे की गई वहाँ से लाने के बाद? क्या पहले संपर्क में था, किसके माध्यम से, किस तरह से पैसे की मांग की गई? ये कल ये जो राहुल राज चौहान हैं वो जबलपुर पनागर के रहने वाले हैं और वो और उनकी पत्नी और बच्चे कहीं पे जो है चाट वगैरह खाने गए थे। उसी दौरान जो है तीन चार लड़के जो है एक बाइक में और एक कार से चार पांच लोग आए थे बेसबॉल का डंडा वगैरह लेकर के, और अचानक हमला बोल दिया ऐसा उन्हें बताया है, और उसको जो है राहुल राज चौहान को जो है ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा करके उसको इधर रीवा तरफ लेके आ गए थे। रास्ते में पैसे की फोटो मांगी गई, किस तरह से मांगी गई? हाँ, ऐसा जो है जो अपहृत हैं उनकी पत्नी के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आना बताया गया कि व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ये जो मुख्य आरोपी है सुलभ सिंह गहरवार, उसके द्वारा जो है 35 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा है कि पैसे की व्यवस्था हो गई हो तो उसका जो है फ़ोटो भेजो, हम जगह स्थान बताएंगे
तो ऐसा जो है मांग की जा रही थी। तीनों आरोपी हैं सर कहाँ के निवासी हैं और ये कहाँ रखे थे पुलिस? ये इसका मुख्य आरोपी सुलभ सिंह गहरवार है, जो ग्राम डूडा बरिया टोला, ये मनिकवार क्षेत्र में एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है।